सपना नहीं है बहन, ये हकीकत है। हम साधु बन गए हैं, आपके दुआ पर भिक्षा लेके आए हैं, हमें भिक्षा चाहिए। हकीकत? हाँ। लेकिन भैया गोपी चंद, आपने अपना कैसा हाल बना रखा है? ये साधु सन्यासियों का बाना है बहन, और साधु सन्यासियों के ऐसे हालात होते हैं, केवल भगवान के नाम की भगवती लगाते हैं, उनका भजन करते हैं और गुरु का आदेश लेकर के तुम्हारे द्वार पर भिक्षा लेने आए हैं, हमें भिक्षा चाहिए। नहीं भैया नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? आपने अपनी पूरी राजधानी, अपना पूरा राजपाट किसके हवाले छोड़ दिया? अपनी सोने रानी, अपनी छोटी छोटी बारह कन्या, और आपकी इकलौती बहन है, आपने किसी के बारे में नहीं सोचा? हमने सबके बारे में सोचा था, लेकिन माँ ने बार बार हमको परेशान कर दिया, मजबूर कर दिया कि नहीं बेटा तुझे योग लेना पड़ेगा, और माँ के कहने से हमने योग ले लिया। हमारी माँ चाहती है कि हमारा शरीर अमर हो जाए, इसलिए हमको योग लेना दिया। लेकिन भैया गोपीचंद, हाँ, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहती है? हाँ, कहिए क्या बात है। क्योंकि हम साधु बन गए हैं, हमने कान बना ली है, गुरु के नाम की कंठी हमने गले में बांध ली है, और हम आप गुरु के आदेश के अनुसार आपके द्वार पर भिक्षा लेने आए हैं, हमें भिक्षा चाहिए। मेरी बात सुनिए, यही क्या कहना चाहती है आपको? Oh,
हमारे गुरु का आदेश है कि बेटा तुझे भीख मांग के जानी पड़ेगी, और अभी तो ये आदेश है हमारे गुरु का, ये भी आदेश है कि जब तुम्हारी रानी पाटन दे है उसको माता कहते थे भिक्षा लेकर आनी है, तब तक तेरा योग सफल होगा। नहीं भैया नहीं, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत करिए, मेरी बात सुनिए। ये क्या कहना चाहती है आप? बन जाता है, ये तो सब भगवान की आदेश अनुसार कर्म भोगता है इंसान, और क्योंकि कोई राजा बन जाता है और कोई कंगाल रह जाता है, ये तो सब कर्म का संयोग होता है। हमारी माँ ने आदेश किया कि बेटा तेरा शरीर अमर हो जाएगा, तुझे साधु बनना पड़ेगा। माँ के बार बार कहने पर हमने साधु बन गए हैं, यज्ञ ले लिया है, और गुरु के अनुसार हम भिक्षा के लिए आदेश किया है गुरु ने, तो भिक्षा मांग रहे हैं। अब आपको भिक्षा देनी पड़ेगी, कहीं से मैं चाहता हूँ घर में सोने रहा।
मेरी बात ठीक है बहन? सबकी सरदार कहते हैं कि हर बहन के जीवन में दो अहम वक्त होते हैं, एक तो रक्षा बंधन का त्योहार आता है, हर बहन चाहती है मैं अपने भाई के कलाई पर प्यार का रक्षा का बंधन बांधूं, और दूसरा वक्त वो होता है जब साथ के उस बहन के बच्चे शादी के योग हो जाते हैं। सरदार कहते हैं भाती एक रुपए का हो या लाख रुपए का, वक्त भी सौदा होता है, लेकिन संसार में ना जाने कितनी ऐसी बहनें हैं जिनको भाई नहीं होते साथियों। लेकिन सबका बेड़ा पार वो परम पिता परमात्मा ही लगाता है, तुम उसी परम पिता परमेश्वर में तेरा भी बेड़ा पार हो जाए। नहीं भैया नहीं, मेरी बात साथियों अपने योग और फल और बुद्धि से वो भी अपनी बहन को समझा रहा है, उस भगवान घनश्याम को याद कर रहा है, तेरा क्या चला भैया ये भरोसा कोई।